मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग रेगुलर अभ्यास कर रहे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखें, रोज अभ्यास करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, अपने खान पान पे ध्यान रखिए, बहुत तला भुना मत खाइए, विंटर्स है, इतना अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में है, सारे साग है, अब ये मौसम आपका सही समय है साग खाने का, क्योंकि जब आप बिना सीजन के खाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा आप कहेंगे कि जो हम खाद डालते हैं ये सब चीजों को करके बिना सीजन के ग्रो करते हैं, लेकिन जब सीजन में कोई वेजिटेबल आती है तो उसमें शुद्धता की मात्रा ज्यादा होने का पूरा पूरा चांस होता है। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए खाने का, और तीसरी बात है अपने निद्रा का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है, यानी अपने आराम का आप उतना ध्यान रखें। आराम भी बहुत जरूरी है, जैसे बाकी सब चीजें जरूरी हैं उतना ही रेस्ट करना भी जरूरी है। रेस्ट करने से रात को जब अच्छी नींद आती है तो अगले दिन सुबह आप फ्रेश फील करते हैं, तो यानी क्या कर रहे हैं वो आपको रिचार्ज करती है। और जब बहुत लंबे समय तक आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, आप देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका प्रभाव फिर आपके पूरे शरीर पर, पूरी हेल्थ पर पड़ता है। तो इसका भी, अपने आराम का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए अभ्यास के लिए तैयार होंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठना होता है, कोई भी एक आसन आप ले सकते हैं, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, कोई भी एक आसन ले लीजिए। फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करेंगे, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद, दोनों हाथों की हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई, पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना सभी साथ में, ओम असतो मां सद्गमय, ओम तपसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मां अमृतमगमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, आंखें खोलिए, और यहीं से अब आज हम सूक्ष्म व्यायाम में चालन क्रियाओं में बस कुछ नहीं, कैट एंड कैमल को शुरू में करेंगे। इस तरह से वज्रासन में आइए, वज्रासन में वो लोग ना बैठे जिनके घुटनों में प्रॉब्लम हो, दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरह घुटनों के पास रखें, दोनों घुटनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप बनाइए, इस तरह से एक हाथ का नाग और लेना है, कोहनी के पास कोहनी लगाई घुटनों के पास, एक हाथ का नाग ले लिया आपने, इस तरह शरीर को आगे किया, इनहेल, इस तरह कमर नीचे गर्दन ऊपर, एक्सहेल, पूरा लंज बनाने की कोशिश कीजिए, पूरा बनाइए, हाथ और पैर एक जगह प्लेस करेंगे तो हटाने नहीं है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
श्वास ली, श्वास छोड़ी, श्वास ली, श्वास छोड़ी, श्वास ली, छोड़ी, श्वास ली, श्वास छोड़ी, श्वास ली, छोड़ी। इस तरह से देखिए रिदम कब बनेगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करें, रोज अभ्यास को जब आप करेंगे तो इस तरह से आपकी एक रिदम बनती है अभ्यास करने की। यहीं से आप वज्रासन में वापस आएंगे, कमर आपकी स्पाइन हमेशा दुरुस्त रहे। स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि आप लोग स्टिफनेस इतनी हो गई है शरीर में, एक जगह बैठे रहने से लगातार गलत बॉडी पोस्चर से, गलत सिटिंग पोजीशन से, कि आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम अभी कॉमन हो गया है, तो वो आपको ठीक करना चाहते हैं तो कैट एंड कैमल पोज, व्याघ्र आसन, और इससे पहले जो भी हम आज प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब आप डेली बेसिस पे रोज कीजिए। क्रिया शक्ति विकास क्रियाएं, शोल्डर मूवमेंट्स, इस तरह से राइट लेग को आपने सीधा उठाया। अब आप चाहे तो इसमें पूरा, ये देखिए पूरा उठता है, पूरा उठाएं, पर लेकिन शुरुआत में क्या करना है, सिर्फ मूवमेंट देना है। ये अभी हम यहाँ पर यही करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों साइड से किया, लोवर जो आपका एब्डोमिन है उसके जो ढीलापन है वहां पे वो टाइटनिंग होती है, कमर के बीच में टेलबोन के आसपास में जो स्वेलिंग है वो कम होती है। तो ये बहुत फायदे हैं, आप धीरे धीरे इनको अपनाइए, इन प्रैक्टिसेस को। इसी में एक और पोजीशन ले लीजिए पहले अपनी, यहीं से दायां अगर पैर है तो बायां हाथ इस तरह से 1, अभी सीधा लेकर जाएं कर्ण लेकर, 2, इनहेल, एक्सहेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से लेफ्ट लेग राइट हैंड इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसको आप डेली कीजिए, आप देखेंगे जो बॉडी का आपका मिड पार्ट है, यानी आपका बेली फैट, टमी और आपका कमर के आसपास का एरिया, धीरे धीरे आप इसमें फर्क देख पाएंगे। यहीं से अपने मैट्स पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाने, शेक कीजिए लेग्स को, शेक कर लीजिए, आप चाहे पूरा बॉडी शेक करना, ऐसे शेक कीजिए। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं, पहले हल्का सा कदम ताल, पैर जितनी ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे,
एक्सहेल करेंगे। और कुछ लोग जो लोग इस तरह से करना चाहें, इनहेलिंग एक्सहेल, श्वास भरी छोड़े, श्वास भरी छोड़े, इनहेलिंग एक्सहेल, इनहेलिंग एक्सहेल, इनहेलिंग एक्सहेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। लंबा गहरा सांस भरे छोड़े, धीरे से रोके। समस्थिति में खड़े हो सकते हैं, तो समस्थिति क्या है, दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ना और दोनों हाथ दाएं और बाएं सीधा खड़े हो, आंखें बंद, शरीर ढीला ढीला छोड़े, शरीर को ढीला कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरे छोड़े, यहीं से हम जंपिंग जेट्स करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरी छोड़े, श्वास भरी छोड़े, 30 कंप्लीट करेंगे अपने अपने तेजी से। इस तरह से ब्रीथिंग पैटर्न पर चलना है अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो हम राउंड करने वाले हैं जंपिंग जेट्स का, इसमें ब्रीथिंग पैटर्न को चेंज कर देंगे। क्या करना है, इनहेल एक्सहेल। पहले हमने हाथों को ऊपर करते हुए इनहेल किया था, नीचे करते हुए एक्सहेल, लेकिन अब हम नीचे इनहेल ऊपर एक्सहेल। अपने अपने 30 काउंट्स देखिए, हाथों को ऐसे क्लैपिंग नहीं करना, हर बार जंप करते हुए ऐसे क्लैपिंग नहीं करेंगे। पहले लोग कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। चलिए शुरू करेंगे, अपने अपने 30 कंप्लीट कीजिए। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है और जो जंपिंग नहीं कर सकते, घुटनों में प्रॉब्लम है तो जंपिंग नहीं करनी, क्या करना है, विदाउट जंप आप अभ्यास को करेंगे। इनहेल एक्सहेल करें, शरीर ढीला ढीला छोड़िए, जितना आप शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं, पैरों में गैप भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि समस्थिति में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, चक्कर अनुभव कर रहे हैं तो पैरों में फासला हो। चलिए यहीं से एक पैर पीछे, दाया पीछे और आगे की तरफ जितना ऊंचा आप लेकर जा पाए। 1 2 एक्सहेल करना है, हर बार आगे लाते हुए।
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी काउंट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी दूसरी साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं अपने जितना आपको वेट लॉस करना है उसके हिसाब से रिपीटेशंस बढ़ाइए। सिर्फ हेल्थ पर्पस से कर रहे हैं तो जितना हम करा रहे हैं उतना काफी है, लेकिन वेट रिड्यूस करना है कम करना है इसके रिपीटेशंस और बढ़ाइए। हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करें, ऐसे पीछे रख लीजिए, यहीं से पैरों को खोलिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दूसरी साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पैरों में फासला बनाइए, फिंगर्स रुकना नहीं आज आज के अभ्यास से थोड़ा सा बिना कम रेस्ट के साथ चल रहे। फिंगर्स इंटरलॉक, आगे की तरफ हथेलियां ऊपर लेके जाएं, पैरों में इस तरह से शोल्डर लेवल का गैप या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इनहेल एक्सहेल वन एक्सहेल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाथ दीजिए दोनों पैरों में, फासला बनाइए इस तरह से और एक हाथ ऊपर इनहेल एक्सहेल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो पैर को आप इसमें जोड़ लीजिए, लेग्स को शेक कीजिए, शेक करें इस तरह से या इस तरह से शेक करें। चलिए अब हम आप चाहे अगले अभ्यास को बर्पीज का नाम दीजिए, ये संपूर्ण शरीर के लिए है, पूरी हेल्थ के लिए है,
घुटनों में पेन है तो नहीं है। कैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को भी ध्यान रखना है, जिसमें सांस तेजी से चलने लग जाए, जैसे अभ्यास नहीं करके बहुत ही धीमी गति से अभ्यास को ले जाना है और बीच बीच में उन्हें रेस्ट भी करना है। चलिए क्या करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे बैठे, दोनों हाथ पैरों को बारी बारी में आप इस तरह पीछे ले सकते हैं और बाद में मैं बताऊंगी कैसे जंप के साथ संतुलन आसन में आएंगे। दंडासन, भुजंगासन, एक्सहेल, वन बाय वन अगर लेग्स को आगे ले पीछे ले गए थे तो आगे लेकर आए, ये आपका एक राउंड हो गया। दूसरे के लिए आप मैं जंप के साथ बताऊंगी कैसे दोनों पैरों को एक साथ लेके जाना है, तो आपको जो दोनों में से ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। चलिए सेकंड टू टेन काउंट करने हैं इस तरह जंप के साथ, इनहेल एक्सहेल टू, पीछे आएंगे जंप के साथ, ये आपका थोड़ा स्पीड के साथ, थ्री फोर अगर जंप के साथ करें तो जंप के साथ पीछे जाना है के साथ आगे आना, एक एक पैर से जाना चाहते एक एक पैर से इस तरह, ये स्लो भी कर सकते हैं स्पीड के साथ। टेन काउंट कंप्लीट कीजिए, एट नाइन जैसे ही आपका शरीर अलाउ करे वैसे कीजिए, अंतिम है टेन। अब इसी में आप इसे राउंड्स को बढ़ा सकते हैं, मैट पर बैठ जाएंगे, अभी हमने ओनली टेन प्रैक्टिस की, संपूर्ण व्यायाम ही कोई बोलता है तो इसको आप अगर रेगुलर करने लगे तो आप ये 100-100 काउंट्स तक कर सकते हैं। अपना क्षमता कैसे बढ़ानी है उसका एक ही तरीका है, डेली अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। इनहेल एक्सहेल करें, अपने शरीर में अपनी श्वास की गति को देखिए, श्वास की गति के प्रति सजग, आप देख पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे ब्रीथ स्लो और शरीर में जो है आप आराम का अनुभव करते हैं। चलिए यही से अब हम अभी जो है साइड फैट के लिए, साइड फैट कैसे रिड्यूस करना है और फिर बेनिफिट के लिए
अभ्यास रखेंगे। साइड फैंड भी सबसे पहले आप इस तरीके से विष्णु पोज जो हम कहते हैं उसमें आप अपने अपने मैट्स पर लेट जाइए इस तरह से, और आप चाहें तो पूरा हाथ भी इस तरह रख सकते हैं। ये इनहेल वन, एक्सहेल करते हैं टू थ्री फोर फाइव, और आप चाहें तो इस तरह कोहनी बन के आते हैं। ये पूरा हाथ पीछे सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दूसरी साइड से करके इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप यहाँ पर आप खुद से फर्क देख पाएंगे, जब आपने नीचे रखा है तो क्या प्रेशर है शरीर पर। वन टू टेन काउंट कीजिए, दूसरी साइड से भी करेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दूसरी साइड से। आप दोनों में डिफरेंस अपने से ऑब्जर्व कीजिए इस तरह से, पूरा हाथ नीचे इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, थोड़ा हम स्पीड के साथ चल रहे हैं ताकि ज्यादा अभ्यासों को हम कवर कर पाए। यहाँ पर नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे मेरा ये लेफ्ट साइड का पोजीशन है, मेरा लेफ्ट लेग जमीन पर है, राइट लेफ्ट के ऊपर है जैसे, तो राइट लेग को मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया और यहीं से राइट हैंड को उठाते हुए मैं अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लू ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे से शरीर नीचे। इसी तरह पहला राउंड जो हम करते हैं विद सपोर्ट, जब हम लेग को आगे ले आते हैं पीछे ऊपर रखे हुए लेग को, तो हमें सपोर्ट मिल जाता है। अब मेरा राइट लेग नीचे की तरफ है, लेफ्ट उसके ऊपर है, मैं दोनों लेग को अगर शुरू में एक साथ नहीं उठा पा रही हूँ इस तरह से, ये वन टू, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करेंगे आगे लेफ्ट को आगे रख लिया, आपको कमर को उठाने में सपोर्ट मिलेगा। तब कैसे करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। इस तरह से बारी बारी दोनों साइड से आपको इसे करना है, जब आपकी इसमें दक्षता हो जाए, आप पैर के सपोर्ट के साथ अच्छा सा करने लगे, फिर विदाउट सपोर्ट स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करना है, इस तरह से जैसे लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग है, ये
वन टू थ्री फोर फाइव। दूसरी साइड से करेंगे। अभी मैं इसमें आपको को उस पे कलाइयों पे भी दिखाऊंगी कैसे करना है। अभी ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स कीजिए, बैठकर बीच बीच में ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए। हाई बीपी के पेशेंट को बिल्कुल भी ब्रीथ चढ़ने नहीं देना। बहुत ही आराम आराम से आप अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही धैर्य। अब मैंने बताया था आपको कि कैसे आप अपनी कलाइयों पर आकर इसको कैसे प्रैक्टिस को करेंगे। ये देखिए, लेग को आगे रखा, शरीर को उठाया, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। दूसरी साइड से आप बिना सपोर्ट के जब आप इस तरीके से आप देखेंगे पूरा साइड पर आपके इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर भी आप चाहे विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह आपने पोजीशन ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। अब आपने देखिए पूरा साइड जो है आपका उस पर इसका असर होता है। और इसी में अगर आप एक और अभ्यास में बता रही हूँ वो भी ज्वाइन कर लीजिए ज्वाइन, तो बहुत अच्छा आपका साइड फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। करना क्या है, उसी तरह आपने पहले सपोर्ट के साथ करना है। ऐसे शरीर को उठाया, इनहेल से वन टू थ्री फोर फाइव। दूसरी साइड से ये आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग भी है। लेग को आगे रखा, राइट लेग को और लेफ्ट को शरीर को उठाएंगे, इनहेल एक्सहेल वन टू थ्री फोर फाइव। इस तरह से आपको ये साइड प्लान्स हैं उन्हीं के वेरिएशंस हैं, अच्छे से कीजिए। इनहेल एक्सहेल करें, ब्रीथ नॉर्मल करें, इस तरह सुखासन में वज्रासन में किसी में भी आप बैठकर एक मिनट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जो अभ्यास आपने किया उसका क्या इम्पैक्ट आपके शरीर पर हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसको सजगता से देखिए। चलिए
जी से जैसे मैंने बताया था मेलिफेरेंट के लिए भी लास्ट में आपके पेट का चर्बी को कैसे कम करना है उसके लिए नौकासन के लिए वेरिएशन है बहुत सारे, वो सभी करेंगे साथ में। सबसे ये सरल जो है एक एक पैर उठाना शुरू कीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस एक एक पैर उठाइए, और जो लोग ऊपर उठा सकते हैं लेकर रहिए जितना ऊपर उठा सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से जितना ऊपर आप पैरों को उठा सके उठाने की कोशिश कीजिए। यहीं से नेक्स्ट नौकासन में साइकिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप देखेंगे जब आप ये करते हैं तो कितना बढ़िया जो मिड पार्ट है आपका पेट का बीच का हिस्सा वहां पर इसका इम्पैक्ट होता है, डेली करना है। और बीच बीच में आप ट्विस्टिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, हिप्स नहीं उठने देना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। लेग रेस करेंगे, कैसे करना है अभी आपने वन बाय वन किया था, 1, 2 इस तरह से। आप चाहे तो आप सपोर्ट ले लीजिए शुरुआत में, कैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह सपोर्ट के साथ, और विदाउट सपोर्ट कैसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 रिलैक्स। इस तरह से बढ़ाते जाइए, प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं। इसी में एक और राउंड करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसी में आप नौकासन के जो है आप नौकासन के होल्डिंग्स कीजिए, कैसे हाफ होल्डिंग कीजिए पहले इस तरह से, या दोनों पैर पे अंगूठों को पकड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से पैर खोल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अब यहाँ पर आज मैं आपको एक अभ्यास और बता रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, जितना आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होगी, कोर स्ट्रेंथनिंग इससे भी होगी, और जितना स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी उतना अच्छा बैलेंस बनता जाएगा। करना क्या है शुरुआत में, इस तरह ग्रिप कीजिए दोनों हाथ पैरों के नीचे ऐसे, और पैरों को धीरे धीरे यहाँ पर उठा के होल्ड करें, फिर धीरे धीरे और ऊपर उठाइए,
धीरे धीरे और फिर सीधा कीजिए, सामने देखिए, पीठ को सीधे करने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीठ धीरे धीरे सीधी होती जाए। इसी तरह दोनों अंगूठों को ऐसे ग्रिप किया और धीरे धीरे पैरों को उठाना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैर नीचे। इसी तरह से होल्डिंग्स को बढ़ाइए। इस तरह एडी को पकड़ लीजिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है आपकी कोर जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैलेंस के लिए, शरीर में संतुलन स्थापित करने के लिए। बैलेंसिंग के आसन जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दोनों पैर जोड़ के पैर को नहीं लेकर जा पा रहे हैं, कमला आसन देखिए कैसे करना है। दोनों अंगूठों को पैरों के इस तरह पकड़ लिया, दोनों पैरों को फैलाया, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे धीरे जब आपका बैलेंस क्रिएट हो तो दोनों पैरों को जोड़ के उठाइए। ऐसे धीरे 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 लंबे समय आपको लेना पड़ेगा तो आपका जो है शरीर में बैलेंस भी बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, स्ट्रेंथनिंग भी। वज्रासन में बैठ के अंत में कपालभाति अग्नि साथ का अभ्यास करें। कपालभाति किसको नहीं करना है? हाइपर एसिडिटी है, हाइपोपी है, हर्निया, अल्सर, कैटराइट का प्रॉब्लम है, स्लिपनेस है, तो कपालभाति बिल्कुल अवॉइड करें। बाकी सभी लोग कीजिए। फोर्सफुली एक्सहेलेशन है, एकदम से जब अभ्यास शुरू कर रहे होते हैं तो एकदम से लंबा कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। शुरुआत में 5-10 मिनट का नहीं शुरू कीजिए। 150 से 200 स्ट्रोक यानी 2-3 मिनट्स का करें। फिर धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशंस बढ़ाएंगे। एकदम से हाई नहीं करना है शुरुआत है। जब आपने हाई टाइम जो हाई एंड टाइम है आपका उस पर कर लिया वो नहीं, शुरू में आप कम कम कीजिए और उसके बाद धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाएंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के नीचे वाली लाइन पर लगाएंगे। अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से आपको लेफ्ट से श्वास लेना है। इनहेल करना है, बाएं से श्वास करें, रोकें, दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास करें, रोकें, बाएं से छोड़ें। ये आपका एक चक्र हो गया। दूसरा चक्र शुरू करेंगे, रोकें,
जाइन से छोड़ें। दाएं से श्वास लें, रोकें, बाएं से छोड़ें। इसी तरह आप 20 आकृतियां डेली करने की कोशिश कीजिए। अभी हमने दो चक्र किए, ओनली टू, लेकिन 20 राउंड्स, 10 राउंड, 20 राउंड्स तक करने की कोशिश कीजिए। एक बार सुबह और रात को सोने से पहले अगर सांसेंगे तो करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, दो प्राणायाम अगर आप रात को सोने से पहले करते हैं तो आपको कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी और आपको अच्छी नींद आएगी। तो कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले भी ये दो अभ्यास आप जरूर करें। आंखें बंद करके ओम प्रणव शब्द का उच्चारण और शांति मंत्र का पाठ सभी साथ में करेंगे। अभ्यास को रोज डेली कीजिए, योग का डेली डोज है, डेली करें और स्वस्थ रहें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी को नमस्कार।